किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम है, हरी सब्जियां थोड़ी कमी आती है, लेकिन जो आती है वो बड़ी स्वादिष्ट आती हैं। ग्वारफली भी उसमें से एक है। ग्वारफली की सब्जी हम लोग बनाते हैं, कई बार बच्चों को घर में पसंद नहीं आती, कई बार बुज़ुर्गों को पसंद नहीं आती है। एक ऐसा टेस्ट जो सभी को पसंद आए, ऐसा ट्रेडिशनल तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। आइए ग्वारफली की टेस्टी सब्जी बनाना सीखें। सब्जी बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक, थोड़ा सा अमचूर, जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन, एक टेबल स्पून बेसन और आलू। ये ऑप्शनल है, प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। ग्वारफली हमने साफ़ करके काट ली है और उसको थोड़े से पानी में हमने उबालने चढ़ा दी है। एक दो उबाले आएंगे तब तक हम उसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम कढ़ाई में अपना एक बड़ा चम्मच तेल रखेंगे। तेल गर्म होता है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए ऐसी खरल ले लें, अगर जो भी आपके पास साधन हो वो ले लें। और इसमें एक नया टेस्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस खरल में आधा किलो हमारी ग्वारफली है तो 2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची ले ली, 3 टीस्पून धनिया ले लिया, 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ले ली और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से रगड़ लेंगे। इसको रगड़ने से सिलबट्टे वाला जो टेस्ट आपको सब्जी में अच्छा लगता है वो आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके का सिलबट्टा नहीं हो तो आप कटोरी में घोल करके चम्मच से रगड़ के भी आप इसको बना सकते हैं। इससे सारे मिक्स हो जाएंगे मसाले और मिर्ची जो होगी वो फूल करके अच्छा टेस्ट देगी। हमारा तेल गर्म हो गया है, जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। हमारे प्याज बहुत अच्छे से हो गए हैं, अब इसमें हम बेसन डाल के कम आंच पर सेकेंगे। हमारा बेसन अच्छे से सिक चुका है और अब हमारा भीगा हुआ जो मसाला है इसको हम डाल रहे हैं। मसाले को रगड़ करके पानी डाल करके जब 5-10 मिनट रखा जाता है तो इसमें खरल वाला टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि आजकल सब मसाले जो मशीनों से पिसाई होती है तो वो जो खरल वाला टेस्ट है उसके लिए तो हम लोग तरसते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए रेसिपी डाली है कि आप अगर उस टेस्ट को मिस करते हो तो इस तरीके से आप मसाले को भिगो करके चम्मच से भी फेंट सकते हैं अगर आपके पास खरल नहीं हो तो, और उस टेस्ट का आनंद उठा सकते हैं। हमारा मसाला और बेसन बहुत अच्छे से पक गए हैं और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। आप जब भी सब्जी बनाएं घर में, कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि हमारी सब्जी में खुशबू नहीं आती है। खुशबू के लिए आप एक तो कम आंच पर सब्जी पकाएं, मसाला बिल्कुल कम आंच पर पकाएं और इतनी देर पकाएं कि साइडों में तेल छूटने लग जाए, तब आप समझे कि आपका मसाला पक गया है। ये मेरी साइडों में भी इधर भी तेल छूटने लग गया है अच्छे से। और आप तसल्ली से कम आंच पर खाना पकाएंगे तो आपका हमेशा स्वादिष्ट खाना बनेगा। सभी नमक मिर्ची डालते हैं लेकिन किसी की खुशबू आती है, किसी के कुछ खुशबू ही नहीं आती। मसाले सारे घर के ही हैं, कोई नया बाजार का मसाला कुछ भी नहीं है। बस इसको पकाने के लिए आप पेशेंसली इसको पकाएंगे। अब तेल छूटने लगा है, अब हम अपनी कुटी हुई लहसुन और अमचूर डाल देते हैं। आप अमचूर की जगह दही भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से 2-3 मिनट और अच्छे से पकाएंगे कि ये जो कच्ची लहसुन है ये भी इस तेल में पक जाए। वही लहसुन भी अच्छे से पक गई है और साइडों में अच्छे से तेल छूट गया है। मसाला पकाते वक्त ही आपको पेशेंस रखना है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो कोई सी भी सब्जी बनाएं आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। हम अब इसमें आलू और हमारी ग्वारफली डाल रहे हैं और इसको ढक कर के पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को पकते पकते। हमारी सब्जी बहुत अच्छे से हो गई है, साइडों में तेल छोड़ दिया है। हरी सब्जी जब भी आप बनाएंगे बिना ग्रेवी वाली सूखी सब्जी तो उसमें आप ये देखें कि एक तो पानी का मात्रा ऊपर से डालने का नहीं रखें और साइडों में तेल छूट जाए, तब आप समझें कि आपकी सब्जी अच्छे से
बन गई है। और ढक्कन लगा के पकाएं, फिर लास्ट में थोड़ा सा ढक्कन हटा करके पकाएं, और जब तक तेल नहीं छोड़े वापस सब्जी तब तक आप इसको थोड़ा पकाते रहें, तो आप देखेंगे कि हरी सब्जियां जो बनती हैं आपकी रोज़ डेली में, उसमें टेस्ट में चेंज आ जाएगा। जैसे तेल छूटने तक आप पकाएंगे, उनके टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा और आपको वो सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। हमने अपनी गवार फली की सब्जी की प्लेटिंग कर ली है। इसको आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, जिसके भी साथ आप खाना चाहें खाएं, और पौष्टिक सब्जी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।